रायपुर से निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते हैं प्रियंका गांधी के दौरे पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान, आज भी बड़ी घोषणा हो सकती है, हम एक सोच को लेकर चल रहे हैं, लोगों को घोषणा पत्र का इंतजार है, एक एक करके हाईकमान से अनुमति लेकर घोषणाएं की जाएंगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के दौड़ने वाले बयान पर डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मुझे 5 साल हो गए, अभी तक किसी ने नहीं दौड़ाया, अरुण साव को कौन दिख गया जिसे दौड़ाया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के हिसाब देने वाले बयान पर बोले कि हम हिसाब देने ही लोगों के बीच में जा रहे हैं, साथ ही बहुत महत्वपूर्ण चीजें हमने की हैं, जिन बातों की घोषणाएं नहीं की वो भी पूरा कर रहे हैं। बीजेपी के आरोप पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि किसानों ने राहुल गांधी को खुलकर अपनी बातें बताई, राहुल ने किसानों से भाव पूछा, उन्होंने सभी बातें साझा की हैं। किसानों ने बताया कि अब वे कर्ज से मुक्त हैं, साथ ही उनके पास कोई कर्ज नहीं है, धान के सही दाम उन्हें मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में एक सोच को लेकर चल रही है, एक विजन को लेकर चल रही है और अपने सेंट्रल लीडरशिप के गाइडेंस में चल रही है। जो भी घोषणाएं हम कर रहे हैं उनसे कंसल्ट करके उनकी मंजूरी सहमति लेने के बाद राहुल जी सीनियर लीडर्स आ रहे हैं, ये घोषणा कर रहे हैं। कल और परसों आपने देखा कि महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई, KG-2 PG वाली एक बहुत बड़ी घोषणा है जिसमें टेक्निकल एजुकेशन कॉलेजेस में जुड़ा हुआ है, तो स्कूल से लेकर कॉलेज तक सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में निशुल्क पढ़ाई की बात, तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 4,000 रुपये मानिक बोरा के हिसाब से जितना वो पत्ता लाएंगे वो रेट उनको अलग मिलेगा, और अतिरिक्त प्रति परिवार 4,000 की राशि, ये भी एक बड़ी घोषणा है। भूमिहीन परिवार जो किसान है उनके पास जमीन है उनको धान का भाव मिल रहा है, भूमिहीन परिवारों के लिए जो 7,000 रुपये प्रति वर्ष मिल रहा था उसको 10,000 की उन्होंने घोषणा की है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरे मन से भी जुड़ी हुई बात रही है और आज मुझे भी बड़ा संतोष है कि राहुल जी ने इस बात की भी घोषणा की कि डॉक्टर खूबचंद बघेल में अब प्रत्येक परिवार 10 लाख रुपए तक का साल में इलाज सरकार की तरफ से होगा, और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता है योजना में अतिरिक्त बड़ी बीमारी के लिए अतिरिक्त प्रावधान है। ये बड़ी घोषणाएं राहुल जी के माध्यम से कल हुई हैं। आज प्रियंका गांधी भी दौरे पर आ रही हैं। जी, नई घोषणाओं का इंतजार करना चाहिए।